तो आपको इसका स्वाद और गुणवत्ता देखो इसमें। हाँ, ये देख सकते हैं। मेरी रसोई में बाहर से कोई चीज नहीं आ रही है। अच्छा, लहसुन मेरा है, धनिया मेरा है, प्याज मेरा है, आलू मेरा है, सब्जियां मेरी है, उसके बाद में मिर्ची मेरी अपनी हो रही है, फ्रूट मेरा अपना हो रहा है, धान मेरा अपना हो रहा है, गेहूं मेरा अपना हो रहा है, सरसों मेरी अपनी हो रही है, तेल मेरा वहां से हो रहा है, गाय से मेरे को दूध मिल रहा है, लस्सी मिल रही है, घी मिल रहा है, खेत को मतलब की खुराक के लिए इसको खाद मिल रहा है। ये जो जीवामृत हम बनाते हैं, इसके अंदर हम 10 लीटर गाय का गोबर, ठीक बात है, 10 लीटर गाय का गोमूत्र, ठीक है, और 1-2 kg हम इसमें अंदर डालते हैं बेसन, ठीक है, उसके बाद 1-2 kg हम इसके अंदर डालते हैं गुड़, ठीक है, और बरगद का पेड़ की मिट्टी ले लो, हम तो कहीं की भी लेके डाल देते हैं, हमें तो कोई मिट्टी ना डाले तो हम तो तब भी कोई वो नहीं, राइट, क्योंकि हमको तो इसमें हम यहाँ से उठा के वहां से आप देखोगे ना, यहाँ पे सारे को हमको कैचुआ सबको जीवामृत उसमें बनने तैयार है, ठीक बात है, तो उसमें बनाते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है, जीवाणु, ये मतलब की एक कैचुओं को जीवाणुओं को न्योता देता है, ठीक बात है। अब किसी चीज को हम बुलाएंगे तो कोई आप आए हमको, हाँ भाई आओ, मान सम्मान करेंगे तभी तो वही चीज तो करेगी, वही चीज है, ग्रोथ का भी काम करती है, प्रमोटर का काम करती है, और एक अलग साइनिंग का फसल का काम, राइट, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता, राइट, राइट। तो 1133 TDS था, तो हमने ये जो पॉन्ड बनवाया है ना, बारिश का नदी का जो पानी देखो यहाँ से आता है ना, हम सारों को यहाँ स्टोर करते हैं, उससे क्या इसके चौवे में 16 से इसका पानी जाता जाता मेरा बोर बिल के स्टोर में गया। अच्छा, तो आज मेरा 553 TDS है, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है 533 TDS, ठीक बात, ये गौ माता की शक्ति से हमारा ये काम हुआ है, आप मतलब कि देखो 1700-2300 प्लस TDS है और बोरों का, ठीक बात, इसका 533 TDS है, गौ माता ने इस खेत को, इस जमीन को इतनी शक्ति दी है, राइट राइट। तो दोस्तों अद्भुत है ये, चमत्कार से कम नहीं है, और हम इसको ओमिक एसिड बोल देते हैं, अच्छा, जो बाजार में मिलते लेके आते हैं, हम इसके अंदर जैसे 10-15 गाय के देसी गाय के उपले डाल देते हैं, ठीक है, उपले डाल के इसके अंदर फिर 2 लीटर लस्सी डाल दो, और उसके अंदर हम 100 ग्राम समुद्री नमक, 50 ग्राम फटकड़ी और 50 ग्राम सिंधा नमक डाल के फंगस का भी काम करते, किसी तरह का फंगस और ग्रोथ प्रमोटर का काम करते, राइट, मतलब आपके फसलों में कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं आती, आप देखोगे हम किसी तरह की कोई बीमारी आपको हर तरह बारह तक दिख रहा होगा, और अब तो हमको 1 साल हो गया किसी तरह का सप्रे किया हुआ, कोई मतलब की आप जीवामृत का या किसी चीज का, क्योंकि हमारे सिस्टम नेचर ही हमारा करने लगा, आप देखोगे ना आपको कहीं चिड़िया होने लगे, कहीं बबरे होने लग रही, कभी तितली आ रही है, कभी कुछ आ रही है, वो अपने आप ही काम कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल, हम जब नेचर से जुड़ जाएंगे, नेचर को सिस्टम समझेंगे ना, हाँ जी, वो अपने आप ही सब काम करता है, हमको कुछ जरूरत नहीं लगानी, बिल्कुल, इसीलिए जो है इसको गौ आधारित प्राकृतिक खेती भी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं अशोक नेचुरल फार्म कैथल हरियाणा में, और आज हमारे साथ मनोज जी हैं जो कि जिले के एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान है। दोस्तों आज हम इनके खेत में आए हुए थे, तरह तरह की जो है दोस्तों फल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग के मास्टर हैं भाई साहब, और अभी दोस्तों हम इनके जो है उर्वरक जोन में खड़े हैं, जो कि ये प्राकृतिक तरीके से सारा अपना उर्वरक बनाते हैं, पूरी तरीके से गौ आधारित खेती कर रहे हैं, ये देख सकते हैं जीवामृत है, घन जीवामृत है, और भी गाय के जो है बेस्ट से जो है तमाम तरह के ये उत्पाद और खादें बना रहे हैं। तो आइए जो है इसकी विस्तृत जानकारी मनोज जी से लेते हैं। ये जी इसमें हम ये 2000 लीटर का टैंक है, ठीक है, इसके अंदर हम गौ कृतामृत बनाते हैं, जो अभी आप देख रहे होंगे ड्रिप के साथ ये मतलब इसके अंदर ही चला जाता है, राइट, हाँ, राइट। मतलब ये जो टैंक है, हाँ, इसमें आपने पहले गौ कृतामृत बनाया, जी जी, राइट, फिर उसके बाद ये कहाँ से जाएगा भैया जी? ये ड्रिप से वेंचरी लग जाएगी, देखो जो वेंचरी अभी ये चल रहा है, राइट राइट राइट, ये चल रहा है ना, तो इसको उठा के हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ड्रिप से चला जाता है। अच्छा, ये कितना शानदार सिस्टम है दोस्तों, इसके माध्यम से ये ड्रिप के माध्यम से खेतों में, मतलब आपको अलग से ले जाके छिड़कना नहीं, अलग से कुछ नहीं, हम सारा यही से होता है, ये हजार लीटर के उसके हैं, उसके बाद में इनमें जैसे जीवामृत, जैसे हमें सुबह चला दिया जीवामृत बना दिया, जीवामृत चलाते हैं, उसके बाद में जो उसका नियमरक होता है उस नियमरक बनाते हैं हम, अब ये खाली हो गया, जैसे अब दोबारा इनमें फिर बन जाएगा, राइट राइट राइट, अब ये जैसे ये चल रहा है आज, ये जिस तरह ये तो कल चल जाएगा, ठीक बात, तो इस तरह वो वेस्ट डिकम्पोजर बनाया हुआ है, राइट राइट, वो ड्राम रखे उसके अंदर कॉपर लस्सी रखते हैं, राइट राइट, हाँ जी, इसके अंदर हम खट्टा रसायन बनाते हैं, ठीक बात, जैसे जो फल वाली होती है ना फूल खिलने लग जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, उसके लिए हमने टमाटर का खट्टा रसायन बनाया हुआ है, ठीक बात है, तो हम अपना मैंने अपने खुद ही के बीज बनाए, जैसे अभी करेला बीज बनने लग रहे हैं, अच्छा, लौकी का आप देखोगे हमारी लौकी है, आप ये देखोगे ना, ये बीज के लिए हमने छोड़ा था जो वहाँ पे, अच्छा, ये लेकिन किसी वजह से चलने से किस तरह गिर गई, लेकिन अब ये बीज के लिए तो नहीं कामयाब है, हम इन क्वालिटियों का, इन अच्छी वैरायटियों का हम बीज तैयार करते हैं, और ये देसी लौकी है जिसका स्वाद और मजा कुछ अलग ही है, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक बात बताएं भैया कि इसको आप तैयार कैसे करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, और खेतों में जो है इसका फायदा क्या क्या होता है, आसान भाषा में हमारे किसान भाइयों को समझाएं। ये जो जीवामृत हम बनाते हैं, इसके अंदर हम 10 लीटर गाय का गोबर,
ठीक बात है। 10 लीटर गाय का गौमूत्र, ठीक है, और 1 से 2 केजी हम इसमें अंदर डालते हैं बेसन, ठीक उसके बाद 1 से 2 केजी हम इसके अंदर डालते हैं गुड़, ठीक है, और बरगद का पेड़ की मिट्टी ले लो, हम तो कहीं की भी डाल के लेके डाल देते हैं, हमें तो कोई अब मिट्टी ना डाले तो हम तो तब भी कोई वो नहीं है, राइट, क्योंकि हमको तो इसमें हम यहाँ से उठा के वहाँ से आप देखोगे ना यहाँ पे सारे को हमको कैचुआ सबको जीव अमृत उसमें बनने तैयार है, ठीक बात है, तो उसमें बनाते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है, सुवाणु, ये मतलब की एक कैचुओ को जीवाणुओं को न्योता देता है, ठीक बात है। अब किसी चीज को हम बुलाएंगे तो कोई आप आए हमको आ भाई आओ मान सम्मान करें तभी तो वही चीज तो करेगी, वही चीजें ग्रोथ का भी काम करती है, प्रमोटर का काम करती है, और एक अलग साइनिंग का फसल का काम, राइट, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता, राइट, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं? ये वैश डीकम्पोजर है जी। अच्छा, डीकम्पोजर, डीकम्पोजर इसका क्या करते हैं, ये वैसे तो फसल पे बहुत कई चीजों पे काम करता है, लेकिन जो वेस्ट है, जैसे अब इसके अंदर मूंगी थी, अच्छा, मूंगी हमने निकाली, उसकी जो फसल अवशेष था ना उसको ये वेस्ट करने में बहुत जल्दी काम करेगा, राइट, क्योंकि कोई भी चीज को वेस्ट करने के लिए नाइट्रोजन चाहती है, ठीक बात है, तो ये नाइट्रोजन देने का काम करेगा उसको, जल्दी 2 महीने के बजाय 1 महीने में उसको वेस्ट करके। इसमें क्या क्या चीजें डालते हैं? इसके अंदर सिर्फ हमारे पास मदर कल्चर है डीकम्पोजर का, जो अपने डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी गाजियाबाद से मंगाया था, हम इसमें 2 केजी गुड़ डालते हैं और 200 लीटर पानी डालते हैं, ये 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है, ठीक बात है। और क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं भैया जी? इसके अंदर जो हम होता अपना, हम इसको ओमिक एसिड बोल देते हैं, अच्छा, जो बाजार में मिलते लेके आते हैं, हम इसके अंदर जैसे 10 से 15 गाय के देसी गाय के उपले डाल देते हैं, ठीक है, उपले डाल के इसके अंदर फिर 2 लीटर लस्सी डाल दो, और उसके अंदर हम 100 ग्राम समुद्री नमक, 50 ग्राम फटकड़ी और 50 ग्राम सिंधा नमक डाल के फंगस का भी काम करते, इसी तरह का फंगस और ग्रोथ प्रमोटर का काम करते, राइट, मतलब आपके फसलों में कोई बीमारी नहीं है? कोई बीमारी नहीं आती, आप देखोगे हम किसी तरह की कोई बीमारी, आपको हर सरा हर तरह बरा तक दिख रहा होगा, और अब तो हमको 1 साल हो गया किसी तरह का सप्रा किया हुआ, कोई मतलब कि आप जीवामृत का या किसी चीज का, क्योंकि हमारे सिस्टम नेचर ही हमारा करने लगा, आप देखोगे ना आपको कहीं चिड़िया होने लगे, कहीं बबरे होने लग रहे, कभी तितली आ रही है, कभी कुछ आ रही है, वो अपने आप ही काम कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल, हम जब नेचर से जुड़ जाएंगे, नेचर को सिस्टम समझेंगे ना, हाँ जी, वो अपने आप ही सब काम करता है, हमको कुछ जरूरत नहीं है, बिल्कुल, इसीलिए जो है इसको गौ आधारित प्राकृतिक खेती भी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, इसको बनवाते समय कौन कौन सी बातों का जो है ध्यान रखा है आपने? जी ये तो देखो जी, जब हमने बनवाया था ना, ये सब जो सेटिंग है, जो फिटिंग है, सब मैंने अपने आप किए, राइट, सब वो जो करके देते हैं ना, वो तो मतलब कि उनको बस यही है, यहाँ करके सिस्टम करके दे दिया, वो मतलब कि इतनी हमको भी नॉलेज नहीं थी, अच्छा, और वो बताते भी नहीं, क्योंकि उनका माल लगता है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, तो हमको जान दिक्कत होती है। अब जैसे हमने इसे बोर से भी सिस्टम कर दिया है, हाँ जी, हाँ जी। मेरा अगर बोर चलेगा, पहले तो सोलर से चलता है, अच्छा, कोई बिजली कनेक्शन नहीं हमारे यहाँ पे, ठीक बात है, और कोई मतलब इसमें ये नहीं है, बिल का नहीं है, कोई ये नहीं है भाई, नाइट लाइट आएगी, डे लाइट। कितने किलोवाट का है जी ये? 10 किलोवाट का। ऑलराइट, अभी आप इस पे आपने सब्सिडी भी ली होगी सरकार से? बिल्कुल जी, अभी देखो ये चल भी रहा है, अभी ये चल रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी 5 बज गया होगा, अभी भी आप देखो ये चल ही रहे, अभी 1.5-2 घंटा और बड़े मजे से चलेगा, तो बिजली का बिल जीरो है? जीरो है जी, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई किसी चीज का खर्चा नहीं है जी, तो सोलर लगा हुआ है, और उससे फिर ये ड्रिप है, हमने सैंड फिल्टर लगवाया, जो पानी को मतलब की सैंड छान के को रेता काई बजरी आगे फसलों में जाने देता, उससे फिर मैंने ये पोंड बनवाया है। अच्छा जी, इसको बनाने के क्या उद्देश्य है भैया जी? इसके क्या है, 18 लाख लीटर का पोंड है ये। अच्छा जी, तो ये 100 फुट का लंबा और 25 फुट की चौड़ाई है, ठीक बात, 10 फुट का गहरा था, तो 8 का रहेगा होगा, राइट। स्टार्टिंग में जब हमने अपने बोर बिल करवाया था तो मेरा यहाँ पे 1153 TDS था। अच्छा, मैं मतलब कि गौ माता की शक्ति थी, जो मेरे यहाँ का बोर बिल का 1133 TDS था, ठीक है, तो हमने कर रहा क्या भाई, अभी TDS बहुत ज्यादा है, तो 1133 TDS था, तो हमने ये जो पोंड बनवाया है ना, बारिश का नदी का जो पानी देखो यहाँ से आता है ना, हम सारों को यहाँ स्टोर करते हैं, ठीक बात, उससे क्या इसके चौवे में 16 से इसका पानी जाता जाता मेरा बोर बिल के स्टोर में गया। अच्छा, तो आज मेरा 553 TDS है पूरे, अच्छा, कैथल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है 533 TDS, ठीक बात, ये गौ माता की शक्ति से हमारा ये काम हुआ है, आप मतलब की देखो 1700-2300 प्लस TDS है और बोरों का, ठीक बात, इसका 533 TDS है, गौ माता ने इस खेत को, इस जमीन को इतनी शक्ति दी है, राइट राइट। तो दोस्तों अद्भुत है ये, चमत्कार से कम नहीं है, और मनोज भाई जो है पूरी तरीके से अपना प्राकृतिक खेती करके अपना करके दोस्त जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्राकृतिक खेती मनोज जी कर रहे हैं, एक मॉडल स्थापित किया है दोस्तों, और आज इनके जो मृतक भाई हैं, भाई साहब अशोक जी, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम को इन्होंने अमर कर दिया है दोस्तों, उन्हीं की पूरी प्रेरणा थी, और आज ये पूरी तरीके से अपने खेतों में अपनी खेती के लिए समर्पित हैं। तो
तो दोस्तों हर एक किसान भाई को इनका मॉडल जरूर अपनाना चाहिए, इससे आपकी आय भी बढ़ेगी, देश की सेवा कर सकते हैं और अपने परिवार को जो है जहर मुक्त रसायन मुक्त जो है खाने पीने की चीज़ें भी आप उपलब्ध करवा सकते हैं। तो बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।